वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस लेक्चर 5 में हम बात करेंगे ग्रामर की, और ग्रामर में हम बात करेंगे प्लूरल और सिंगुलर में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर कोई भी नाउन दिया है, सिंगुलर है, तो उसको प्लूरल कैसे करना है, ये इसके ऊपर आज हम विशेष बात करेंगे। फाइन, क्योंकि हमारे जो एरर स्पॉटिंग का सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके हमें प्लूरल बनाना नहीं आते, लेकिन एग्जाम्स में जब वो आ जाते हैं तब हमें कुछ, जब हमने कभी बनाए नहीं होते हैं तब वो क्वेश्चंस हमको गलत लगते हैं, तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है। और जो रूल्स दिए होते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करना, कोई भी नाउन अगर सिंगुलर दिया है उसको प्लूरल कैसे बनाया जाए, तो ये कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों 1 से लेकर 4 तक हमारी ग्रामर की वीडियो देखने के लिए आप हमारी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें कंप्लीट पैकेज को स्टार्टिंग से देखें, तब आपको बेटर सब कुछ समझ में आने लगेगा। फाइन, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपका अगर कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हैं, और साथ में इस वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों तक, जो आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है, और इन रूल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर मुझे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो पहला हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि बहुत सारे सिंगुलर नाउन जो होते हैं, ओके, फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस। बहुत सारे ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं केवल उनके आगे एस लगा देते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा बोट, तो इसके आगे बोट्स कर दिया, कैट के आगे कैट्स कर दिया, गर्ल के आगे गर्ल्स कर दिया, हाउस के आगे हाउसेस, ओके, रिवर के आगे रिवर्स, और बॉय के आगे बॉयज। तो मतलब बहुत सारे ऐसे मोस्ट सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में अगर आप एस लगा दें तो वो उसका प्लूरल फॉर्मेट बन जाता है। ओके, कुछ और हैं जिनके ऊपर हम, यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड रूल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। ओके, इसमें कहा गया है अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस एक्स जेड सी एच एस एच मेक्स द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। बहुत सारे ऐसे नाउन जिनके अंत में एस आता है और एक्स आ सकता है या फिर जेड आ सकता है या फिर सी एच आ सकता है, तो अगर आपको उनका प्लूरल बनाना है तो आप लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे। फाइन, अब देखते हैं कैसे करना होता है। अब मैंने लिखा बी यू एस, बस, तो बस का प्लूरल क्या होता है, बसेस। देखो लास्ट में मैंने ई एस यूज करा, पिच यहाँ पर क्या है, सी एच आया तो पिचेस होता है, ई डबल एस है तो लास्ट में क्या है, एस है, तो ये क्या होता है, एस एस। वॉच है, इसमें सी एच आया, तब कैसे बनाएंगे, ई एस, लास्ट में मुझे क्या, ई एस को ऐड करना होगा। ओके, यही हमारा रूल कहता है। मैंने आपको कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए, जैसे रैंडम की बात करता हूँ, बॉक्स, तो यहाँ पर क्या, एक्स आया है, और एक्स को, एक्स के बाद हमें क्या लिखना है, ई एस और लिखना है, तो बॉक्सेस हो जाता है। क्लास का होता है क्लासेस, स्विच सी एच है, फिर स्विचेस हो जाएगा। क्विज जेड होता है, तो जेड क्या होगा, ये क्विजेस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और डिश है, तो क्या हो जाएगा, डिशेस। ये एस एच था, एस एच को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एस एच के बाद ई एस और ऐड कर दिया। फाइन, तो ये रूल हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, और इन्हीं रूल को अगर आपको याद रहता है तब आप एरर स्पॉटिंग में अपने 1 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं जो आप जरूर नोट डाउन कर लें, जरूरी नहीं कि ये रूल हर जगह काम करेगा। जो जो एक्सेप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी। अगर आपका लिखा जाता है ऑक्स, तो देखिए यहाँ पर लास्ट एक्स है, तो मैंने अभी पढ़ा था कि ऐसे वर्ड जिनके अंत में एक्स आता है, ओके, तो ओ एक्स, इसमें अंत में क्या, एक्स आ गया, लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, इस सिंगुलर नाउन का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। इसका प्लूरल हम ई एन के साथ बनाते हैं। फाइन, ये एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस आपको एज इट इज नोट डाउन करने होते हैं। अगर लिखा है स्टोमक, ये देखो सी एच आ रहा है, तो स्टोमक में क्या है, स्टोमैक्स, इसमें क्या, एस लगाकर इसका प्लूरल बना दिया। रेडियस आपने सुना होगा, अगर रेडियस का प्लूरल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, रेडी, और लोकस का प्लूरल क्या बनाते हैं, लोकी। फाइन, तो ये कुछ वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनके बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स नहीं हैं। फाइन, जितने होंगे वो मैंने आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा, और जो कॉमन यूज होंगे वो मैं यहाँ पर लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फाइन, तो इसके अलावा आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर बनाएं, और उसमें अगर ऐसा कोई इस रूल को रेफरेंस करके दिया हो कहीं पर, तो आप उस लिस्ट में इसको भी नोट डाउन कर लें। फाइन, तो आप यहाँ पर अपने उस वर्ड को भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3 की अगर बात की जाए, तो रूल नंबर 3 में कहा गया है कि अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, एक सिंगुलर नाउन जो हमारा कॉन्सोनेंट से ऐड होता है, एंड देन वाई मेक्स द प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग आई ई एस। देखो ऐसे नाउन
जिसमें बाई से पहले क्या आता है, प्लुरल आता है। फाइन, देखो बाई से पहले बी प्लुरल आया, फिर बाई से पहले एस आया, बाई से पहले एल आता है, बाई से पहले आर आया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बाई और इससे पहले क्या आपका आता है, अगर प्लुरल आ जाए, सॉरी यहाँ पर आपका कंसोनेंट आ जाए। फाइन, ये हमारा क्या है, कंसोनेंट, जिसको हम कहते हैं व्यंजन। दो होते हैं ना, बॉबल और कंसोनेंट। तो हमारे 5 तो बॉबल हो गए और 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। बॉबल हमारे कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ओके, और कंसोनेंट्स हमारे रिमेनिंग हो जाएंगे। तो अगर बाई से पहले हमारा कंसोनेंट आता है, तो देखो बाई से पहले बी कंसोनेंट, बाई से पहले एस कंसोनेंट, बाई से पहले एल कंसोनेंट और बाई से पहले आर कंसोनेंट। अगर बाई से पहले कंसोनेंट यूज होगा तो आप क्या करेंगे, बाई को तो आपको रिमूव करना है, इसमें क्या लिखा, ड्रॉपिंग द बाई, बाई को रिमूव कर देना और उसके स्थान पर क्या यूज करना है, आई ई एस। तो अगर मैं एक बर्ड की बात करूँ, बेबी, तो देखो बाई से पहले आपका क्या है, बी यूज हुआ है, तो देखो आपको क्या लिखना है, बी ए बी, और इस बाई के स्थान पर क्या लिखना है, आई ई एस, ओके। तो ये हमें कन्वर्ट करना होता है। फाइन, इसी तरह से हम रूल को फॉलो करेंगे। फिर यहां पर कहा गया स्पाई, तो देखो पी क्या है, यहां पर क्या है, पी कंसोनेंट है, बाई से पहले जब आपका कंसोनेंट यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा, स्पाइस। फिर लिखा है सिटी, इसका सिटीज हो जाता है। क्राई का हो जाता है क्राइस, लॉरी का हो जाता है लॉरीज, रिप्लाई क्या क्या हो जाता है, रिप्लाईज। ये कॉमनली यूज वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पर लिस्ट में रखे, लेकिन हर एक चीज का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। तो एक्सेप्शन जो भी आएंगे हम उनको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। अब कहा गया है कि ऐसे अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन अ बॉबल एंड देन बाई मिक्स द प्लूरल बाई एडिंग एस। देखो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा नाउन जिसमें बाई से पहले क्या आता है, आपका बॉबल आता हो। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, बाई से पहले अगर आपका हमारा कंसोनेंट आएगा तब क्या उसका ट्रीटमेंट करना है, और बाई से पहले अगर बॉबल आएगा तब उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, ओके। अब देखो यहां पर मैंने लिख दिया के ई बाई, तो देखो बाई से पहले क्या आया, ई आया है, बाई से पहले ई, यहां पर भी बाई से पहले ई, यहां पर क्या लिखा है, बाई से पहले ई आया और बाई से पहले क्या आया, यहां पर ई आया। फाइन, तो इन चीजों का मैंने बताया ना, यहां पर बाई से पहले अगर आपका ई आता है तब आप उसका प्लूरल बनाते हैं, हम क्या लिखेंगे, केवल आप एस का यूज करेंगे। अगर के ई बाई के बाद में बाई से पहले ई आया तो बाई को हटाएंगे नहीं, फिर मैं क्या कर दूंगा, के ई बाई एस कीज। अब मैंने लिखा टॉय, तो टॉय बाई से पहले क्या ओ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, टी ओ वाई एस, टॉयस, ओके। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। फाइन, यही हमारे रूल्स हैं जो हमें एग्जाम्स में आएंगे और इनके एप्लीकेशंस आएंगे, ओके। ये रूल्स कभी भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में ये रूल्स सेट हो जाएंगे, एक बार आप इसको एक दो बार रिवाइज करो, एग्जाम से पहले भी पढ़ लो, तब आप आसानी से अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं रूल नंबर 5 की बात यहां पर करूं, इसमें कहा गया है अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन अ कंसोनेंट एंड देन ओ मेक्स द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, ई एस, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ऐसे सिंगुलर नाउन जो ओ से एंड होते हैं लेकिन ओ से पहले का आपका क्या आता है, कंसोनेंट आता है, ओ से पहले हमारा क्या आएगा, कंसोनेंट, तो उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, केवल ई एस लगाकर। फाइन, ये तरीका है। अब अगर मैंने कह दिया हीरो, एच ई आर ओ, तो ओ से पहले आर आ गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एच ई आर ओ ई एस, ओके। ये हमारा प्लूरल बनाने का तरीका होगा सिंगुलर को। देखो ओ से पहले एल आया है, तब मैंने क्या लिखा, ओ ई एस हो गया ना, ओ के बाद ई एस लगा दिया। अब देखो ओ से पहले आर आया तो यहाँ ई एस लगा दिया, ओ से पहले जी आया तो ई एस लगाया, ओ से पहले टी आया तब क्या, ओ ई एस, ये ई एस लग गया। तो यही रूल्स होते हैं जो हमें एग्जैक्टली हम इनको यूज तो करते हैं, लेकिन कई कई ऐसे नए वर्ड आ जाते हैं जहां पर हम इन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अगर पूरी लिस्ट हमारे पास में तैयार है तब हमें इन टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ एक्सेप्शंस की यहां पर बात करूं, हर एक ग्रामर में क्या है कि कोई रूल दिया है तो उसका एक्सेप्शन भी है। फाइन, क्योंकि एक्सेप्शंस पढ़ने जरूरी है, एग्जाम्स में एक्सेप्शंस भी कई बार आते हैं। अब अगर आपको फोटो लगा दिख जाए, फोटो लिखा पी एच ओ टी ओ, तो ओ से पहले क्या है, कंसोनेंट आया है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग अगर ओ से पहले कंसोनेंट आएगा तो आप ई एस लिखोगे, लेकिन हम फोटो का जब प्लूरल बनाते हैं तब हम क्या लिखते हैं, फोटोज। सोलो का बनाते हैं, सोलोज लिखते हैं। मोमेंटो का बनाते हैं, मोमेंटोज लिखते हैं। रेशियो का बनाते हैं, रेशियोज लिखते हैं। और पियानो का बनाते हैं, पियानोज लिखते हैं। और
डायनमो का बनाते हैं तो डायनमोज लिखते हैं। तो हमें समझना होगा कि अगर ओ से पहले हमारा कुछ ये वर्ड्स हैं, इनको आपको याद करना होगा। इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, और जो एक्सेप्शंस हैं वो मैं मोस्ट ऑफ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ड्स हमारे यहाँ पर छूट भी जाएंगे, तो जब हम बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन रूल्स का रेफरेंस देकर हमारे क्वेश्चन सही और गलत होंगे। ओके, तो हमें ये चीज़ें भी समझनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ रूल नंबर 6 की, तो देखो रूल नंबर 6 में कहा गया है अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन डबल वॉवल मेक्स द प्लूरल बाय एडिंग एस। तो इसमें कहा गया है कि एक ऐसा सिंगुलर नाउन जो एंड होता है डबल वॉवल से, जिसमें क्या है दो वॉवल लास्ट में आ जाते हैं। वॉवल हमें पता है कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये पांच जो हमारे वॉवल होते हैं, अगर लास्ट में डबल वॉवल आ जाए, यहाँ पर आई ओ आ गया, यहाँ पर डबल ओ डबल ई, ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो ओ ई डबल ई आई ओ, ओके ये हमारे डबल वॉवल आ गए, तो इनका ट्रीटमेंट मुझे करना क्या है, इसमें मुझे लास्ट में केवल एस को ऐड करना होता है, ये हमारा रूल कहता है। तो मुझे आ गया पोर्टफोलियो, तो क्या हो जाएगा पोर्टफोलियोस, जू आ गया तो जूस, बी आ गया तो बीस, और ट्री ट्रीज, रेडियो रेडियोज। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लें। रूल नंबर 7 की बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें कहा गया है कि बाई सफिक्सिंग एस टू द मेन वर्ड इन द कंपाउंड वर्ड मेक्स इट प्लूरल। अगर कोई भी हमें सिंगुलर वर्ड दिया हुआ है और वो कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है कि दो से ज़्यादा वर्डों को मिलाकर अगर मैं एक सिंगल वर्ड को फॉर्म करता हूँ, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड वर्ड, तो इसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। लेकिन कंपाउंड वर्ड अगर आपको सिंगुलर दिया है, उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? आपने देखा होगा कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो आपका कमांडर इन सी एच आई ई एफ की जगह पर आप इसको मत चेंज कर देना, ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। यहाँ पर देखा है मैंने एस यहाँ पर यूज़ करा है। अगर मैन सर्वेंट की बात की जा रही है, तो देखो मैन सर्वेंट में क्या है कि एक मेल नौकर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मेल नौकर में बहुत सारे अगर मेल नौकर होंगे तो मैन का मुझे पहले तो ई एन करना होगा, ये मैन हो गया, और सर्वेंट का सर्वेंट्स करना होगा, फाइन। एक ये यहाँ पर आप बहुत बारीकी से देखो कि ये रूल तो आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत सारे मेल नौकर की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर मैन हो जाएगा, मैन का मैन होगा और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मैन हेटर की बात करता हूँ, जो लोग आदमियों से धरना करते हैं, तो अगर हेटर की यहाँ पर बात हो रही है, हेटर किसके लिए कहा गया, मैन हेटर, तो मैन एक कम्युनिटी के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी मेल पर्संस हैं उन सब के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो जब मैं इस मैन हेटर का प्लूरल बनाऊंगा तो मैं मैन में मैन एम ई एन यूज़ नहीं करूँगा, ये एज इट इज रहेगा, हेटर में केवल आपका हेटर्स लग जाएगा। तो इस रूल का भी ध्यान रखना, ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो देखो मैन सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे तो एम ई एन मैन और सर्वेंट्स हो जाएगा, लेकिन कभी भी जब मैन हेटर का हम प्लूरल बनाते हैं तो ये हमारा मैन हेटर्स ही रहेगा, फाइन। अगर हमने कहा सन इन लॉ, इसका प्लूरल बनाना है तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। बेडरूम्स का बनाना है तो देखो बेडरूम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेड रूम्स, ठीक है। फिर पीकॉक है, इसका क्या हो जाएगा, पीकॉक्स, ओके। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम कंपाउंड फॉर्मेट में कैसे हम इनके यूज करते हैं, ओके। तो ये आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रूल नंबर 8 की, तो रूल नंबर 8 में कहा गया है कि अ सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एफ और एफ ई, एक ऐसा सिंगुलर नाउन जो एफ या एफ ई से ऐड होता है और अगर मुझे उसका प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले मुझे एफ और एफ ई को ड्रॉप करना होगा, मतलब उसको हटाना होगा, और उसके स्थान पर क्या यूज़ करना होगा, बी ई एस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है थीफ, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा टी एच आई ई एफ लिखा है। तो मैंने आपको बताया ना, ऐसे नाउन, ऐसे सिंगुलर नाउन जो एफ या एफ ई से एंड होते हैं, तो ये एफ से एंड हुआ तो मेरे को एफ तो पहले काटना है, यहाँ पर एफ काटने के बाद क्या लिखना है, बी ई एस। तो ये क्या हो जाएगा, टी एच आई ई बी ई एस, तो थीफ का क्या हो जाता है, थीप्स, ओके। ये प्लूरल बनाने का तरीका है, सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन बनाने का, फाइन। अब मैं लाइफ की बात करूं, ओके, तो ये एफ ई से एंड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एल आई वी ई एस, ओके। लोफ की बात करा, ये एफ से एंड हुआ तो लोप्स। हाफ की बात की तो हाफ्स। ये चीजें कुछ जो वर्ड है, आप कोई वर्ड छोड़ना मत, अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करना, और किसी वर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, फाइन। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि
आप जानते हैं कि हम लगभग 80,000 के आसपास मेंबर्स फॉलोअर्स हैं, तो दिन में कम से कम 1,000 कमेंट 1,500 कमेंट भी हमारे पास आते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिल जाए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो उसका रिप्लाई आप तक जरूर आएगा। और आपके सारे कमेंट्स हमारी टीम के द्वारा कंपाइल किए जाते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम रैंडम टॉपिक उठा लेते हैं, जो लोगों की डिमांड होती है उसके ऊपर ही वीडियो बेसिकली बनाई जाती है। नेक्स्ट कहा गया है, देयर आर सम एक्सेप्शंस केसेस आल्सो। अभी पीछे जो हमने रूल बताया उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, जिसमें देखिए चीफ, अगर मैंने लिख दिया CHIEF, तो इसमें देखो एफ से एंड हो रहा है तो इसका चीफ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका बनता है प्लूरल चीफ। तो जो एक्सेप्शन है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन सारे कर दिए हैं। इन एक्सेप्शन को आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करके एक बार इसको रीड कर लें, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमारा एक्सेप्शन से भी बन सकता है और एक्सेप्शंस लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ नहीं है। फाइन, क्योंकि जब लिमिटेड एक्सेप्शंस हैं तो इसको हमें याद करना बहुत आसान है, रूल अलग लिखना है और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं वो भी हमें बारीकी से नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट, अगर मैं रूल नंबर 9 की बात करूं, इसमें कहा गया है बाई चेंजिंग द इनसाइड बॉबल ऑफ द सिंगुलर मेक्स इट प्लूरल। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मैन लिखा है और इसका प्लूरल अगर मैं बनाता हूँ MEN, तो इसके अंदर जो बॉबल है इसको मैंने चेंज कर दिया बॉबल से ही, तभी हमारा रूल बन जाता है। फाइन, तो इन चीज़ों को भी मुझे समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो इनसाइड बॉबल है उसका मुझे रूल कैसे कन्वर्ट यहाँ पर करना है। फाइन, उसमें मुझे प्लूरल बनाने के लिए बॉबल को चेंज करना होता है। तो मैन में MEN बनता है, फुट इसका बनता है फीट, हम लोग कहते हैं ना कि 10 फुट ज़मीन है तो फीट होता है बाद में। गूस इसका होता है गीस, लूज लीज, ठीक है। बुमैन बुमैन, टूथ टीथ, माउस और माइस। रूल नंबर 10 की बात की जाए तो अभी हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड थी। तो देखो, अगर आपको कहा गया है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम EN लगाकर भी उनका प्लूरल बनाते हैं, जो सिंगुलर होते हैं उनको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं EN लगाकर, जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्स, इसमें अगर मैंने EN ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ऑक्सिन। अब इसी तरह से अगर CHILD है, चाइल्ड है, तो EN के साथ में REN का भी यूज़ हम करते हैं प्लूरल बनाने में। फाइन, तो चिल्ड चाइल्ड में क्या मैंने यूज़ कर दिया, चिल्ड्रन, यहाँ पर REN, तो इससे भी मैंने यहाँ पर प्लूरल बना दिया। सिंगुलर का प्लूरल बनाने का ये भी तरीका है। फाइन, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, ये एक्सेप्शंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, रूल नंबर 11 की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है फ्यू नाउन्स हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनकी प्लूरल में दो फॉर्म होती हैं। ओके, अब हम एक एक करके फॉर्म जानेंगे भी और उसके यूजेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उनकी फॉर्म तो दो होती हैं लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, अगर मैंने कहा ब्रदर, तो देखो ब्रदर के दो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं। पहला है ब्रदर्स और दूसरा क्या है, ब्रदरन। तो देखो, पहला जो ब्रदर्स है इसका मतलब क्या होता है, सन ऑफ सेम पेरेंट्स, जो एक ही पेरेंट्स हैं उनके जो डिफरेंट जो सन होंगे वो क्या होंगे, आपस में ब्रदर। फिर सेकंड में कहा गया है मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो जो मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रदरन का। अगर मैंने क्लॉथ की बात की तो ये क्या होगा, एक वर्ड होता है क्लॉथ्स, एक होगा है ES लगाता है क्लॉथ में। तो देखो, पहले जिसमें एस लगा होता है उसका मतलब होता है पीसेस ऑफ क्लॉथ और सेकंड होता है आइटम्स ऑफ क्लॉथ। तो इनके यूजेस क्या, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सेंटेंस के सेंस के ऊपर, कि सेंटेंस हमारा बेसिकली क्या कह रहा है। तो जब हम इन चीज़ों को एक बार हमें रूल पता होगा तो कभी अगर इनका यूज़ होगा तो एक बार हमारी नज़र किस पर जाएगी, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस बेसिकली कह क्या रहा है, उसके हिसाब से हम क्लॉथ्स या CLOTHES का यूज़ करेंगे। फाइन, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे मैंने कहा फिश, तो अगर मैंने फिश में FISH ही बोला केवल, तो फिश का मतलब होता है मोर देन वन ऑफ अ सेम वेराइटी। अगर मैं सभी मछलियाँ एक प्रकार की हैं तो उसके लिए हम फिश का यूज़ करते हैं, फिश का फिश रहता है, मैंने ये पढ़ा है। लेकिन फिशेस कहाँ यूज़ होता है, फिशेस यूज़ होता है डिफरेंट वेराइटीज़ की, अगर फिश हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, फिशेस। अब आपने देखा होगा जीनीस, ठीक है, जीनियस, जीनियस का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा टैलेंट हो उसको हम जीनियस कहते हैं, ठीक है। इसका हमने क्या बनाया, जीनिसिस, और बाद में हमने जेनी बना दिया। फाइन, एक आपने देखा ना गिनीज होता है ना, गिनीज में जब हम कन्वर्ट करते हैं जीनियस का गिनीज होता है। फाइन, और जो जेनी होता है ये क्या होता है, स्प्रिट हो जाता है। फाइन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट आपने देखा है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है एक इंडेक्सेस और एक इंडाइसेस। तो इंडेक्स क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है। किसी भी बुक में क्या होता है, इंडेक्सेस होते हैं। और इंडाइसिस क्या होता है, ये अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं। जो सर्ट्स एंड इंडाइसिस हमने यूज़ कराए वो अलजेब्रा की टर्म्स यहाँ पर है। तो इनके फॉर्म मोर देन वन है, दो प्लूरल है, लेकिन दोनों प्लूरल क्या हैं, अलग अलग सेंस में यूज़ होते हैं, तो इनको समझना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुछ ऐसे नाउन की जो डिफरेंट मीनिंग्स जिनके होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। फाइन, तो अगर मैंने क्या किया कि सिंगुलर में उनका कुछ और मीनिंग है और प्लूरल में कुछ और मीनिंग हो जाता है। अगर मैंने एडवाइस कहा, एडवाइस का मतलब क्या होता है, काउंसिल, सलाह, और एडवाइसेस का मतलब क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ए डी बी आई एस ई, इस वर्ड में जिसमें एस ई लिखा होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये बेसिकली एक वर्ब है, और इस वर्ब का मतलब क्या होता है, सलाह देना। फाइन, तो आप लोग यूज़ नहीं करते ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, और एडवाइस का मतलब केवल क्या होता है, काउंसिल, सलाह होता है। फाइन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गुड, तो गुड में क्या है, मोरली करेक्ट है ये गुड, और फिर अगर मैंने गुड्स लगा दिया तो ये क्या है, मर्चेंडाइज हो जाएगा यहाँ पर। फाइन, तो सिंगुलर में कुछ और मीनिंग, प्लूरल में कुछ और मीनिंग, तो ये वर्ड भी सेंस के अकॉर्डिंग हमें यूज करने हैं। नेक्स्ट कुछ और हैं, जैसे मैंने कहा आर्म, तो इसको हम ऑर्गन कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं आर्म, और अगर मैंने आर्म्स बोल दिया तो बीपन्स मतलब हथियार। अगर मैंने कह दिया फ्रूट, तो ये क्या है, इडेबल थिंग्स हैं, खाने योग्य चीज़ें होती हैं, उसको हम फ्रूट कहते हैं। और मैंने फ्रूट्स कह दिया तो ये क्या है, रिजल्ट्स के सेंस में भी हम इसको यूज़ करते हैं। फाइन, अब अगर मैंने कह दिया कि वुड, वुड क्या है, एक मटेरियल होता है, लकड़ी का मटेरियल, और मैंने अगर वुड्स कह दिया तो ये क्या, फॉरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। फाइन, तो ये सिंगुलर में क्या मीनिंग है, प्लूरल में क्या मीनिंग हो जाता है, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे लैटिन और ग्रीक वर्ड हैं जिनका जो सिंगुलर फॉर्मेट में है और इनका हमें प्लूरल बनाना है, तो इसके लिए अलग रूल है, वो मुझे समझना यहाँ पर पड़ेगा। अगर आपने देखा है डेटम, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसका अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो हम क्या लिखते हैं, डेटा। फाइन, डेटम, डेटा प्लूरल है और उसकी सिंगुलर फॉर्मेट क्या होती है, डेटम होता है। फाइन, तभी तो हम कहते हैं कि डेटा कहाँ से आया, डेटा आया हमारा डेटम से। तो प्लूरल फॉर्मेट का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, हमेशा सिंगुलर से होता है। फाइन, अगर सिंगुलर वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो प्लूरल फॉर्मेट नहीं आएगी ना। तो हम कहते हैं कि हमने कई जगह, अभी मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दूँ, तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर फील्ड के हैं उन्होंने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है, तो कहते हैं ना कि डेटा वर्ड कहाँ से आया, तो डेटा वर्ड कहाँ से आया, ये लैटिन वर्ड्स हमारा डेटम से आया। फाइन, ये भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, या फिर हम कहते हैं कि ग्रीक वर्ड से रेफरेंस देकर बताते हैं ना, तो इनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, ये भी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है। एक हम यूज़ करते हैं मेमोरेंडम, MOU यूज़ करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो MOU होता है। तो इसमें मेमोरेंडम जो है, इसका कन्वर्जन बेसिकली जब हम प्लूरल फॉर्मेट में करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, मेमोरेंडा। अगर आपने देखा है प्रीमियम, ये क्या है, ये बेसिकली सिंगुलर है, और जब आप इसकी प्लूरल फॉर्मेट बनाते हैं तब क्या बनता है, प्रीमियम्स। ओके, और फेनोमिना, फेनोमिनॉन लिखते हैं ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, फेनोमिना। ओके, ये वर्ड्स हैं, इनको आप समझ लो कि इनका सिंगुलर क्या होता है और इनका प्लूरल क्या होता है। तो कभी भी क्या होता है कि इनको अगर आपको प्लूरल में यूज़ करना है तो आपको आना ज़रूरी है यहाँ पर। तो जब आप ये लिस्ट को नोट डाउन कर लोगे तो आपको ये सारे वर्ड्स आसानी से समझ में आ भी जाएंगे। फाइन, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि नाउन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के ऊपर हम बात करेंगे, नाउन के ऐसे रूल्स जिसमें हमें कन्वर्ट करना है और जो डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस में आते हैं। फाइन, तो बहुत सारे रूल्स हैं जो एरर स्पॉटिंग में आते हैं। नाउन काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आपसे किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम्स छूट ना पाए। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपके अगर कोई डाउट्स हो, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें तो आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि आप जो क्विज आती हैं उनको प्ले कर लें, और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है इसको आप ज्वाइन भी कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे 19,000 लगभग मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, और नए नए क्वेश्चंस वहाँ पर डे आते हैं वो आप सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। जितने भी लिंक्स हैं वो सारे इस वीडियो के एंड में दिए गए हैं। So thank for watching this video. Have a nice day, friends.